हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कैंडल मार्च का सैकड़ों कर्मचारियों ने जताया विरोध, एनपीएस के खिलाफ कर्मचारियों में जबरदस्त आक्रोश। एनएमओपीएस के बैनर तले जिला मुख्यालय पर एनपीएस का विरोध करते हुए ओपीएस की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। विवेकानंद चौराहा भगवान महावीर टाउन हॉल के पास से लेकर अहिंसा चौराहा होते हुए गांधी चौक तक भारी संख्या में कर्मचारियों का जुलूस नारे लगाते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान संकल्प सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता बन्ना राम चौधरी ने कर्मचारियों में जोश भरते हुए आह्वान किया कि यदि सरकार ने समय रहते पुरानी पेंशन बहाली पर गौर नहीं किया तो कर्मचारी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। मांग नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। जिला संयोजक घमंडा राम कड़वासरा ने पुरानी पेंशन कर्मचारियों का हक है उसको लेकर रहने के साथ एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा की तर्ज पर सभी कर्मचारियों की एकजुटता से हम यहां जंग जीत कर रहेंगे। सह संयोजक चंद्र सिंह पोटलिया ने कर्मचारियों के जोश और जज्बे को सलाम करते हुए बताया कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पुरानी पेंशन ही कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, इसके बिना सेवानिवृत्त के बाद कर्मचारियों का कोई सहारा नहीं रहेगा, इसलिए सभी साथी मिलकर इस जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर इस मुहिम को सफल बनाने में सहयोग करें। समय रहते सरकार मांग नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। इस दौरान कर्मचारी नेता वीरमा राम गोदारा, प्रेमा राम कड़वासरा, रूप सिंह जाखड़, जोगा राम जाखड़, डूंगर सिंह सारन, बसंत कुमार जानी, मूला राम पुनिया, खिया राम भादू, तारा चौधरी, सुंदर विशोई, दीपक ठक्कर, शेर सिंह घुटिया, खेराज राम गोदारा, लक्ष्मी नारायण जोशी, छगन सिंह लूनू, गोवर्धन राम प्रजापत, नूतनपुरी गोस्वामी ने संबोधित किया। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।